वेलकम टू ज्ञान बिंदु। आज के वीडियो में मैं चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 का क्लास 8 की लीनियर इक्वेशन की क्वेश्चन 7 टू 11 सॉल्व करूंगी इसमें। चलो क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888। फाइंड द मल्टीपल्स। तो यहाँ बोल रहा है कि 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लेंगे और उस इंटीजर्स को 8 से सारे को 8 से मल्टीपल करेंगे और जो हमें उन सब के आंसर्स को हम सम करते हैं तो हमें जो आंसर प्राप्त होता है वो 888 होता है। तो सबसे पहले इसकी सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें लेट करना पड़ेगा और सबसे पहले हमारे पास तो कोई डिजिट गिवेन नहीं है तो हम उसे इक्वेशन के रूप में लेंगे। एक्स लेट द फर्स्ट लेट द ओके थ्री सिक्वेंट कंसेक्यूटिव नंबर सॉरी ओके लेट द थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स बी एक्स एक्स प्लस वन एंड एक्स प्लस टू। ओके, ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर। क्वेश्चन में बोल रहा है कि सारे कंसेक्यूटिव नंबर जो है वो सारे 8 से मल्टीपल हो रहे हैं। इसे 8 से मल्टीपल कर देंगे। 8 मल्टीपल 8 एट एक्स कॉमा 8 इंटू एक्स प्लस वन एंड कॉमा 8 इंटू एक्स प्लस टू। बोल रहा है कि इसे सम कर देना। इन सारे को जब हम सम करते हैं तो हम क्या फाइंड करते हैं, 888। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देन 8x प्लस 8x एंड प्लस 8 मल्टीपल 1 8 प्लस 8x एंड प्लस 16 इक्वल टू 888। ओके, 8x प्लस 8x प्लस 8x 24x एंड 16 प्लस 8 24 वी गेट 24x इक्वल टू 888 माइनस देन x इक्वल टू वी गेट हियर 4 6 एंड 8 एंड अपॉन मी दिस इज मल्टीपल साइन, तो दूसरे साइड जाकर के इसे डिवाइड हो जाए। जब हम कट करेंगे तो 3 24 3 72 एंड हियर लिव हियर 72 देन 4 एंड 1 1 4 4 एंड 24 6 जा वैल्यू ऑफ एक्स इज 36। Then first is it is, this is multiples numbers, okay? Then first number is 8x equal to 8 multiple x ki value 36, okay? Multiple karenge, we get here, 8, 6 is 48. And 48 carry 4 and 8 3 is 24, 24 and 4, 24 and 4, 48, 36, 8. Okay, next, second number, 8x and plus 8, 8x plus 8, 8x की value क्या है, 2 double 8 and plus 8, we get here, 296, okay. Third number is 8x plus 16, 288
plus 16. We get here 6 plus 8, 14. 4, carry 1. 8 plus 1, 9. And plus 1, 10. 0. Here. This is all three numbers. Question number 18. Three consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiple by 2, 3 and 4 respectively. So the three consecutive number ko lene hai aur un consecutive number, increasing consecutive numbers ko lene hai aur un numbers ko किससे अलग अलग नंबर को अलग अलग डिजिट के साथ मल्टीपल करना है. सपोज दैट फर्स्ट डिजिट को 2 से, सेकंड डिजिट को 3 से एंड थर्ड डिजिट को 4 से मल्टीपल करने हैं. और जब मल्टीपल करते हैं तो उसके बाद उनका जो सम है वो 74 आता है. तो हमें उस नंबर को निकालना है. इट मींस जो भी हम नंबर्स लेंगे उसके मल्टीपल्स नहीं निकालने. इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 7, उसमें हमें मल्टीपल्स निकालने थे. बट यहां पे हमें क्या निकालने हैं, नंबर्स निकालने हैं कि किस नंबर से वो मल्टीपल होगा, कि जो आंसर उसे जब हम सम करेंगे तो उनके मल्टीपल्स को तो 74 आएगा. ओके, देन सॉल्यूशन. सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन क्या है, तो लेट कर लेंगे. लेट द नंबर्स consecutive number, okay, क्योंकि given है consecutive number, numbers be x plus 1 and x plus 2. और हमें इस समय इन्हीं तीनों की value को निकालना होगा, ना कि multiple. अभी मैं multiples लिखती हूँ. And मल्टीपल क्या होंगे, देन फर्स्ट डिजिट जो है वो 2 से, 3 से एंड 4 से. तो फर्स्ट 2x रेस्पेक्टिवली गिवन है वहां पे, एंड 3 इंटू एक्स प्लस 1 एंड अगेन 4 इंटू एक्स प्लस 2. सबसे पहले इनके मल्टीपल को हम एड अप करके, सॉल्व करके x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. ओके, देन 2x प्लस 3x प्लस 3 एंड सॉरी प्लस 4x प्लस 4 टू जा 8 इक्वल टू 74. 2x प्लस 3x प्लस 4x माइनस एंड प्लस 11 इक्वल टू 74. ओके, 9x इक्वल टू 74 माइनस 11, देन x इक्वल टू 63 अपॉन 9. 9 7 जा, ओके, x की वैल्यू हमारे पास आ गई. क्योंकि हमें पूछा गया है कि वो कौन से नंबर हैं जिससे हम मल्टीपल करते हैं, तो हमें उनके उन्हें एड अप करने पे 74 प्राप्त होता है. ओके, देन फर्स्ट नंबर इक्वल टू x व्हिच इज 7, सेकंड नंबर 3x प्लस 3 सॉरी x प्लस 3 x प्लस 1 व्हिच इज 7 प्लस 1 8, एंड थर्ड इज x प्लस 2 7 प्लस 2 which is, these are which three numbers which multiplied by 2, 3 and 4 we get sum of there is 74. Question number 9a. The ages of Rahul and Harun are in ratio 5 and 7. मतलब राहुल और हरुण की जो एज की रेशियो है वो 5 एंड 7. 4 years later the sum of their ages will be 56 year. 4 साल के बाद उनके एज को जब प्लस की जाती है तो दोनों को प्लस करने के बाद 56 years आते हैं. What are their percentages? तो उनकी percentages क्या होगा, तो इसमें let कर लेंगे. Let the ages be x, then percentage of
ऑफ राहुल इक्वल टू क्या हो जाएंगे 5x एंड परसेंटेज ऑफ हरुण 7x. 4 इयर्स लेटर वो तो 4 साल बाद की भी हम एज को निकाल लेंगे तो इज इज ऑफ राहुल विल बी 4 इयर्स लेटर एजेस ऑफ राहुल आफ्टर 4 इयर्स क्या हो जाएंगे 5x प्लस 4 एंड एजेस ऑफ हरुण आफ्टर 4 इयर्स क्या हो जाएंगे इसका 7x प्लस 4 ओके उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन दोनों का जो आफ्टर 4 इयर्स उन दोनों को जब हम सम करते हैं तो वो आ जाता है 56 बस वही चीज को लेंगे देन 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4 इक्वल टू 56 5x प्लस 7x 12x एंड प्लस 4 4 8 इक्वल टू 56 देन 12x equal to 56 minus 8 and x equal to 56 minus 8 48 and upon me 12 okay then ye cut ho karke aa gaya 4 value of x is 4 ab iska percentage dono ki percentage ko to rahul ki percentage kya hai 5x to percentage of rahul equal to 5x क्या हो जाएगा 5 मल्टीपल x की वैल्यू 4 इक्वल टू 20 इयर्स एंड परसेंटेज ऑफ हरुण इक्वल टू 7x 7 मल्टीपल 4 ओके दिस इज द एज ऑफ हरुण ये परसेंटेज आ गया आपका हरुण और राहुल का क्वेश्चन नंबर 10 इज गिवन दैट The number of boys and girls in a class are in the ratio 7 and 5. एक क्लास के में लड़के और लड़कियों की जो रेशियो है वो 7 and 5 है. The number of boys is 8 more than the number of girls. यहाँ एक चीज और गिवन है कि जो लड़के की संख्या है वो लड़कियों की संख्या से 8 अधिक है. What is the total class strength? तो टोटल उसमें लड़के और लड़कियों को मिला करके कितने बच्चे हैं स्टूडेंट्स कितने हैं तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स निकाल लेते हैं फिर उसे ऐड कर देंगे और वो हमारा स्ट्रेंथ निकल जाएगा ओके देन सॉल्यूशन गिवन है यहाँ पे कि लड़की का जो जो नंबर्स ऑफ गर्ल्स हैं वो लड़कों की नंबर्स ऑफ बॉयज से थोड़ी कम है 8 कम है तो लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स हमने नंबर ऑफ गर्ल्स को एक्स माना बॉयज की जो नंबर है वो कितने हैं इससे 8 अधिक है तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस 8 ओके अब इनकी रेशियो भी गिवेन है अब हम दोनों को क्या करेंगे इक्वलेट कर देंगे देन बॉयज अधिक है यानी 8x प्लस 8 है वो तो रेशियो जहाँ पे 7 है जब हम उसे फ्रैक्शन में लिखेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि बॉयज वाले जो बॉयज की फ्रैक्शंस और अपॉन गर्ल्स की फ्रैक्शन अगर गिवन है तो हम उसी उसी के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन में लिखेंगे ओके एक्स प्लस 8 अपॉन एक्स इक्वल टू 7 अपॉन में यहाँ पे क्या है सेवन जो रेशियो है वो बॉयज की है एंड नंबर ऑफ बॉयज भी एक्स प्लस 8 है ओके इससे हमने सिमिलर प्लेस पे यानी कि अगर इसे हमने ये न्यूमरेटर पे रखा है तो रेशियो इधर दूसरे साइड के गिवन रेशियो को भी न्यूमरेटर प्लेस पे रखा है ओके अब हम क्या करेंगे इसका क्रॉस मल्टीपल करेंगे देन क्रॉस मल्टीपल देखिए 5 इंटू एक्स प्लस 8 एक
एग्रीगेट है 5x plus 8 5s are 40 equal to 7x. Okay, then here 7x minus 5x equal to 40. 2x equal to 40. Okay, then x equal to 40 upon me 2. तो x क्या है हमारी number of girls की number of girls है. Then यहाँ पे लिखेंगे number of girls equal to x which is 20 and number of boys is x plus 8 which is 20 plus 8 which is 28. अब इन दोनों को total strength पूछ रहा है तो दोनों girls और boys की जो number of boys तो total strength में क्या करेंगे उसे add कर देंगे. Total strength equal to 20 plus 28 which is 48. Total number of student class के क्या आ गए 48. Question number 11 में given है कि Baijung's father is 26 years younger than Baijung's grandfather. कि Baijung's के जो father हैं वो Baijung's के दादाजी से 26 year छोटे हैं and 29 years older than Baijung's. और उनके फादर जो हैं वो Baijung's से 29 years बड़े हैं. The sum of the ages of all three is 135 years. और इन तीनों को जो एज को जब हम प्लस करते हैं तो वो आता है 135 years. तो what is age of each one of them? मतलब उसमें से हर एक की एज क्या होगी. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तीन रिलेशन को बता रहे हैं. Then this is three relation. Okay. Suppose that ये क्या है, ये कौन है, Baijung's. Okay. ये है उनके फादर, मतलब Baijung's फादर. ओके okay? और ये हो गए Baijung's के ग्रैंडफादर. ओके okay? अब इन तीनों के बीच के रिलेशन मतलब एज का को इस तरीका से कितने कितने वो बड़े छोटे हैं वो की गए हैं. तो कहा जा रहा है ये जो उनके ग्रैंडफादर हैं वो इनसे 26 ईयर बड़े हैं. ओके okay? तो इनका एज तो पता ही नहीं. और ये बोल रहे हैं कि ये जो है इसके एज से 29 इयर्स बड़े हैं तो और इनका एज तो गिवन ही नहीं है. तो इस तरीका से इस ये इससे 29 इयर्स बड़े हैं और ये इनसे 26 इयर्स बड़े हैं. तो जो भी इनका एज होगा उनके एज से ये 26 हो जाएंगे बड़े. और इस तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि Baijung's जिसकी एजेस हमें किसी की भी एज यहाँ पे पता नहीं है बट कुछ हिंट्स ऐसे गिवेन है जिससे कि इसकी सॉल्यूशन आसानी रहेगी. से अगर लेट कर लें और हम Baijung's की जो ईयर है उसे हम एक्स मान लें. ओके दैन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. लेट द एज ऑफ Baijung's बी एक्स. तो इसे हमने अगर एक्स माना तो ये अगर x years का है तो ये क्या हो गए x plus 29 years. तो fathers of Baijung's क्या हो जाएंगे x plus 29. ओके okay? इनकी फादर की जो एज है और इनके फादर यानी कि इस इनके पूरे एज में 26 years बढ़े यानी कि x plus 29 and plus 26 क्योंकि इनका एज से वो 26 बड़े हैं. तो एज ऑफ तो Baijung's के ग्रैंडफादर एज ऑफ ग्रैंडफादर इक्वल टू क्या हो गया x प्लस 29 प्लस 26 विच इज x प्लस से हम ऐड कर देंगे 29, 30 एंड 55. ये आ गया
उन तीनों का एज। अब हम एक्चुअल एजेस की फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि गिवन है कि इन तीनों को जब हम ऐड करते हैं तो उनका जो सम है वो 135 आता है। देन x plus 29 plus x plus 55 equal to 135. Okay. x plus x 2x and plus x 3x. 3x and plus 55 plus 29. 84? 74. 5 and 9, 4. Carry 1, 6 plus 2, 84, 135, okay. 3x equal to 135 minus, के इधर negative positive है, दूसरे side जा करके negative हो जाएंगे, then x equal to 4, 1, then 30 minus, which is upon 3, cancel, 17, 3 is a, now, age of Baichung equal to x, which is 17 years. Okay, age of Baichung's Baichung's father. Okay. Which is x plus 29, then 70 plus 29. After adding, we get here, then 6 and 1. Okay, this is 46. Okay, now Baichung's grandfather, which is x plus 55. X is 70 plus 55. We get here 65, 72. Okay. This is ages of all three. वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।